नमस्कार दोस्तों, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बीएस चैनल। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग को बताने वाले हैं कि जैसे कि आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की 2020 में जो भी छात्र छात्राएं इंटर में फर्स्ट सेकंड किए थे उन सभी को प्रोत्साहन राशि देने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो एक मंथ पहले ही जो है उसका ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा था और जो है सो डेट भी मतलब खत्म हो गया था, ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया जा रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको नहीं पता चला, छूट गया, ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए सुनहरा अवसर फिर से दिया गया है। जो भी स्टूडेंट छूटे हुए हैं, इसमें आवेदन नहीं किए हैं इंटर में, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड किए हैं, तो उसके लिए जो फिर से ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। तो जल्दी से मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस वेबसाइट का, वहाँ पे जाके आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे पूरा जानकारी मैं आप लोग के स्टूडेंट में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ओके, तो हमारे वीडियो पे बने रहिए शुरू से अंत तक। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आप लोग को बताते हैं कि आप लोग जैसे कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेके चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं अपना गूगल ब्राउजर ओपन कर लिया हूँ। गूगल ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको इसमें टाइप करना, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ईकल्याण, इस तरह से आपको टाइप करना है और सर्च करना। ओके, तो सर्च करने के बाद जो कि ईकल्याण का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस तरह से आपके सामने इंटरफेस हो जाएगा। आपको यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं घेरा लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स आपको लिखा हुआ मिल जाएगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और यहाँ पे मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक प्लस टू प्रोत्साहन योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। ओके, यानी कि यहाँ पे जो है सो बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट इंटर में फर्स्ट डिवीजन किए हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका फिर से दे दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट छूटे हुए हैं, अभी तक आवेदन नहीं किए हैं इंटर में, फर्स्ट डिवीजन किए थे लेकिन वो जो है सो चूक के कारण या कोई छूट, मतलब कोई भी स्टूडेंट छूट गए अभी तक आवेदन नहीं किए, तो उनके लिए सुनहरा मौका है कि जल्दी से आप लोग जाइए और आवेदन शुरू हो चुका है, आप लोग भी अपना आवेदन कर लें। ओके, तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आवेदन करने के लिए इस पर क्लिक करना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स आपको लिखा हुआ मिल जाएगा रेड कलर में, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना माध्यमिक प्लस टू के लिए विद्यार्थियों को केवल ऑनलाइन आवेदन ही देना होगा। विद्यार्थियों को महाविद्यालय में किसी डॉक्यूमेंट या आवेदन देने की जरूरत नहीं है। लाभार्थी के लिए रिजल्ट के समय अविवाहित होना अनिवार्य है तथा इसकी घोषणा केवल ऑनलाइन आवेदन में ही करना है। तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो भी स्टूडेंट यानी कि इंटर के, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि छात्राएं, बताना चाहूँगा फ्रेंड्स छात्राएं या छात्र जो भी हैं, जैसे कि इंटर की एग्ज़ाम देते हैं और उनका शादी मतलब फिक्स हो जाता है या शादी हो जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट को जो है सो मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, रिजल्ट आने से पहले अगर उनका शादी नहीं होता है तो उस स्टूडेंट का 87,000 रुपया का लाभ मिलेगा। अगर उस स्टूडेंट का शादी हो जाता है रिजल्ट आने से पहले तो उस स्टूडेंट को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे जो है सो क्लिक करना, और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ये जब आवेदन करेंगे तो आपको कहीं भी इसका कागज़ जो है सो या डॉक्यूमेंट कहीं भी आपको जमा नहीं करना, सिर्फ ओनली फॉर आपको ऑनलाइन ही करना है। ओके, ऑनलाइन करके उसका रिसीविंग रख लेना। ओके, उसके बाद यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको लिंक वन, यहाँ पे देख सकते हैं लिंक वन लिंक टू दिया गया, तो कोई भी लिंक पे आपको क्लिक करना और आवेदन करना। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे एक लिंक पे क्लिक करता हूँ जो कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक प्लस टू प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आया, नीचे की तरफ इसको ऑर्डर करते चले आना। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो यहाँ पे बताना दे रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए एक नंबर आपको जो आवेदन करने के लिए लगेगा बैंक डिटेल्स और IFSC कोड आपको डालना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आपको आधार कार्ड, उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है बैंक अकाउंट विल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर बिहार, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो ओनली बिहार का होना चाहिए, कोई अदर स्टेट का नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आपका आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका आवेदन होगा ही नहीं, वेरीफाई नहीं होगा। ओके, उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे फिर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इम्पोर्टेंट लिंक। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं आवेदन करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हेयर टू अप्लाई, तो सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना क्लिक हेयर टू अप्लाई पे। ओके, तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखेंगे फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली से आपको यहाँ पे क्या करना, अपना जो है सो इंटर का जो मार्कशीट है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल कर देना, उसके बाद आपको कितना नंबर आया हो वो मार्क्स यहाँ टोटल डाल देना, उसके बाद इस कैप्चे को, ये जो सिक्योरिटी कोड देख रहे हैं इस कैप्चे को यहाँ पे इस बॉक्स में फिल कर देना, उसके बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे
आपको क्या करना है, लॉग इन करना। ओके, लॉग इन करने के बाद आपको अवेबिलिटी दिखाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपना बैंक डिटेल डाल देंगे। उसके बाद वेरीफाई आधार, जो आपके आधार कार्ड में नाम है वो नाम वहाँ ऐड करेंगे। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड में, वो डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद आधार वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको जो है सो क्या करना है, अपना बैंक डिटेल डालना है, FSC कोड, सारा चीज़ वहाँ पे डालने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी कि फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट या अपना भी आप लोग अपलोड कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनल जो एप्लीकेशन होता है, फाइनल एप्लीकेशन जो होता है फाइनलाइज करना पड़ता है, वो करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप लोग जो आवेदन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट छूटे हुए हैं यानी कि 2020 में जो भी स्टूडेंट इंटर पास हुए हैं, अगर छूटे हुए हैं, उसका आवेदन अभी तक नहीं हुआ, तो जल्दी से आप लोग जो है सो फिर से चालू हो चुका है आवेदन करने के लिए, तो जल्दी से आप लोग जो है सो आवेदन कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगा यानी कि आपको जो है सो इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जल्दी आप लोग जो है सो आवेदन कर लीजिए, जो आपको भी जो भी स्टूडेंट छूटा हो उनको भी 10,000 रुपया का लाभ मिल सके। ओके फ्रेंड, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो भी स्टूडेंट छूटे हुए हैं, क्योंकि इसको फिर से आवेदन करने के लिए स्टार्ट कर दिया गया है, जो भी स्टूडेंट छूटे हैं बालिका, वो जल्दी से जो है सो, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि उनको पता नहीं चला कि ऑनलाइन आवेदन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसी के कारण वो छूट जाते हैं। तो जल्दी से कर लें क्योंकि फिर से स्टार्ट हो चुका, पता नहीं कब बंद हो जाएगा। ओके, तो जल्दी से आप लोग आवेदन कर लें। ओके, अगर आवेदन करने में कोई भी त्रुटि होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोग को पूरा हेल्प करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कर दिए ताकि उनको भी पता चल सके कि इंटर में जो फर्स्ट डिवीजन किए थे उन छात्राओं को जैसे 10,000 रुपया प्रोत्साहन जो दिया जा रहा है, वो ऑनलाइन आवेदन फिर से चालू हो चुका है। ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और तब तक के लिए चलिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।